बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका ट्रायल बैलेंस बनाना था, टी अकाउंट्स ही बनाने थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है तो मैं आपको इसके अंदर एक अप्रोच सिखाने जा रहा हूँ। वो अप्रोच क्या है कि भाई आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका माइंड डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस का बन गया, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं जिसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी हुई हैं और एग्जामिनर बोलता है कि डायरेक्ट प्रोड्यूस कर लो ट्रायल बैलेंस, और टी अकाउंट्स उसने मांगे नहीं आपसे। प्रैक्टिकली प्रोसीजर के साथ तो एंट्रीज भी बन रही हैं, लेजर पोस्टिंग भी हो रही है, फिर ट्रायल बैलेंस हो रहा है, लेकिन एग्जाम एग्जाम है ना, एग्जाम में तो रिक्वायरमेंट है। अगर एग्जाम की रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस है तो मैं एग्जाम में ये थोड़ी करूंगा कि मैं पहले जनरल एंट्रीज पास करूँ, फिर उसके बाद मैं लेजर पोस्टिंग करूँ, फिर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊँ। इस तरह तो मेरा एग्जाम का पूरा टाइम निकल जाएगा। तो एग्जाम में अगर रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस है तो मैं ट्रांजेक्शन को रीड करके डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये मुझे समझना है इस टॉपिक के अंदर आज। ठीक है जी। अब जैसे कि आपके सामने ट्रांजेक्शन है, मिस्टर जैद कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। जैद ने बिजनेस शुरू किया कितने से बेटा? 45,000 से। ओके जी। तो अब सिंपल, ये लिखा मैंने यहाँ पे कैश, मुझे पता है कैश डेबिट साइड पर आएगा, और कैश का मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। मैंने कहा कैश की पहली ट्रांजेक्शन हो गई, कैश बढ़ा कितने से? 45,000 से। दूसरा हेड मेरे पास क्या है सर? दूसरा हेड मेरे पास कैपिटल है। ठीक है, बताइए पूरे क्वेश्चन में कोई कैपिटल की कोई और ट्रांजेक्शन है? पूरे क्वेश्चन में कैपिटल की और कोई और ट्रांजेक्शन है? आप सबका रिस्पॉन्स मांग रहा हूं। चलें देखते हैं। ओपन बैंक अकाउंट बाय कैश रुपीज 25,000, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय एंड पेड बाय चेक, बॉट गुड्स ऑन अकाउंट, पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कैश सेल डिपॉजिटेड, पेड ऑफिस रेंट बाय प्राइवेट चेक। यस बिल्कुल है, बेहतरीन। इसका मतलब क्या है? एक और इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगाकर 45, यानी वो काम जो मैं टी अकाउंट में कर रहा हूं, मेरे पास टी अकाउंट बनाने का वक्त नहीं है तो मैं ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं। कैश बढ़ा 45 से, कैपिटल बढ़ा 45 से, अल्टीमेट मुझे यहां लिखना है एंड रिजल्ट। अभी लिखता जा रहा हूं ना बेटा, मेरे इस तरीकेकार को समझो जो मैं तरीकेकार अप्लाई कर रहा हूं अभी। ये मैं आपको एग्जामिनेशन टेक्निक सिखा रहा हूं, एग्जामिनेशन कि भाई अगर एग्जाम में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस है तो मैं ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अभी तो मैंने सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन एक तो मैं आपका आंसर भी वेरीफाई कर दूंगा इस तरीके से, और मैं आपको एक नए तरीके से सिखाकर जो है आपको एग्जाम की एक टेक्निक भी डिलीवर कर दूंगा। तो सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ भाई कैश बढ़ा 45 से, कैपिटल बढ़ा 45 से, लेकिन क्योंकि फाइनल वैल्यू नहीं है तो जब तक फाइनल वैल्यू नहीं आती मैं उसको वहां जो कॉलम्स एंड डेबिट और क्रेडिट के वहां नहीं लिखूंगा। सही है बेटा, जवाब दो। अगली ट्रांजेक्शन, ओपन बैंक अकाउंट बाय कैश। अच्छा जी, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया सर, बैंक अकाउंट ओपन किया कितने से? 25 से। तो 25 से सर कैश में क्या आ गई? कमी आ गई। जवाब दीजिएगा, क्या ख्याल है? अच्छा जी, बॉट ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा 6,800 का, और फर्नीचर की एक ही ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर की एक ही ट्रांजेक्शन है ना, तो फर्नीचर को लिख दिया 6,800। लेकिन इसकी पेमेंट कहां से हुई? बैंक से। तो बैंक में से ये पेमेंट क्या करवा दी? माइनस करवा दी।
यानी फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट, और बैंक पे क्रेडिट वाला इफेक्ट क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बॉट गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम रेहान। अच्छा जी, क्या खरीदी? इन्वेंटरी खरीदी। तो इन्वेंटरी इंक्रीज हुई 28 से, रेहान बतौर अकाउंट पेबल इंक्रीज हुआ 28 से, क्योंकि फाइनल वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि इन्वेंटरी की वैल्यू में, यानी जो जो टी अकाउंट्स वाला काम था वो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम में टी अकाउंट रिक्वायर्ड ही नहीं है तो मैं टी अकाउंट बनाकर अपना टाइम क्यों जाया कर रहा हूँ। मैं इस बात को आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो आपने क्या किया, 1000 से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे किए, 1000 से कैश कम हो गया, 1000 से इन्वेंटरी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यस और नो। उसके बाद कैश सेल्स की 19000 से, 19000 से कैश सेल होने से एक तो कैश का बैलेंस बढ़ा 19 से, सेल्स का बैलेंस भी बढ़ा 19, ठीक है। और 19 का जो क्या है, हाफ है, वो क्या है, 19 का हाफ क्या है, 50%। नाइन पॉइंट फाइव होगा ना, 9500। नौ हजार पांच सौ से इन्वेंटरी कम हो गई, और 9500 कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हो गया, ऐड हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट के पे इफेक्ट प्लस का हो गया, और इन्वेंटरी पे इफेक्ट जो है वो माइनस का हो गया। जवाब दें, सही है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अच्छा जी, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक बैलेंस 15 से इंक्रीज हो गया, कैश का बैलेंस 15 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। पेड ऑफिस रेंट बाय प्राइवेट चेक ₹6000, तो ऑफिस रेंट पे हुआ है, पेमेंट हुई है बिजनेस के लिए, और अगर बिजनेस के लिए पेमेंट है तो रेंट कितना पे हुआ है, ₹6000। इसकी एक ही ट्रांजेक्शन है, डायरेक्ट मैं कॉलम में डेबिट कर रहा हूं, 6000 से रेंट डेबिट, और 6000 से कैपिटल क्रेडिट। इस तरह कैपिटल का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, और 45 प्लस 6 कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा बेटा, 51000। क्या ख्याल है, जवाब दीजिए। जो कंप्लीट हो गया उसको लिख दे कॉलम के अंदर, मेन कॉलम के अंदर, कि भाई इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उसमें। अच्छा, उसके बाद सोल्ड गुड्स ₹15000 ऑन कैश, गुड्स बेची 15000 पर ऑन कैश। तो अगर गुड्स बेची 15000 पे ऑन कैश, तो 15000 से कैश का बैलेंस प्लस, और 15000 से सेल्स का बैलेंस प्लस, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन 15000 का हाफ कितना होगा, 7.5 से इन्वेंट्री की वैल्यू में कमी आएगी, और 7.5 जाके ऐड हो जाएंगे किस में बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो एंट्री बनी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल पे प्लस का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने को शो करता है,
इन्वेंट्री पे माइनस का इफेक्ट इन्वेंट्री के क्रेडिट को शो करता है। जवाब दें। अच्छा जी, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू अली। सर गुड्स बेची, किसको बेची? अली को बेची। कितने की बेची? 18,000। तो यहां पर अली के नाम से अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ? क्रिएट हुआ। और अगर अली से कोई पैसे नहीं मिले तो इसका अकाउंट 18,000 से डेबिट हो जाएगा और इसमें कोई और चेंज नहीं होगा, तो वो 18,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो 18,000 से अली को डेबिट कर दिया, ठीक है, और 18,000 से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सही है जी। अच्छा, इसकी कॉस्ट 18 का हाफ कितना होता है? 9। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुआ 9 से और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 9 से, ठीक है जी। उसके बाद सब बोलिएगा, पेड बाय कैश टू रेहान। ओके जी, रेहान को पेमेंट की। कितनी पेमेंट की भाई रेहान को? रेहान को पेमेंट की 10,000 रुपए। तो 10,000 से कैश कम हो गया, 10,000 से कैश क्रेडिट हो गया और 10,000 से रेहान अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हो गया, ठीक है जी। कैश क्रेडिट एसेट का कम होना, रेहान लायबिलिटी डेबिट, तो माइनस वाला इफेक्ट लायबिलिटी पे डेबिट हो रहा है, तो डेबिट डेबिट होने का मतलब क्या है? लायबिलिटी में क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। अच्छा, उसके बाद पेड सैलरीज बाय चेक ₹9,000। सैलरीज पे की, कितने से पे की? 9,000 से। तो आपने कहा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 9,000 से और बैंक क्रेडिट कितने से? 9,000 से। अब बड़ा सिंपल है, कैलकुलेटर उठाया आपने, 45 माइनस 25 माइनस 1, ठीक है, प्लस 19, माइनस 15, प्लस 15, माइनस 10, क्या इफेक्ट बचा बताइए? कैश कितना बचा आपके पास? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश? 28,000 कंफर्म। ओके जी, तो 28,000। डेबिट बैलेंस लिख दिया मैंने, कैपिटल को 51,000 से क्या कर दिया? क्रेडिट साइड पे लिख दिया। बैंक बैलेंस 25 से इंक्रीज हुआ माइनस 6, माइनस 6.8, प्लस 15, माइनस 9। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक? 24,200। गुड, तो इन फर्नीचर का बैलेंस आ गया। आप इन्वेंट्री का बैलेंस निकालिए, 28 प्लस 1 माइनस 9.5 माइनस 7.5 माइनस 9, इन्वेंट्री का बैलेंस। हाँ जी, 2,000। रेहान लायबिलिटी क्रेडिट हुई 28 से, लायबिलिटी डेबिट हुई 10 से, तो नेट बैलेंस बचा कितने से? 18 से। तो रेहान का क्रेडिट बैलेंस 18 से मौजूद है। इन्वेंट्री 3,000 है ना, 3,000 है। ओके जी, सेल्स 19 प्लस 15 प्लस 18 कितना?
अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 9.5 प्लस 7.5 प्लस 9 हाँ जी बताइए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 51 प्लस 52 प्लस 18 121,000। और राइट हैंड साइड हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड 28 प्लस 24,200 प्लस 6,800 प्लस 3,000 प्लस 26,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, ये भी आना चाहिए 121,000। बोलिए, जवाब दीजिए। ये मैंने आपको क्यों सिखाया ऐसे कि आपका, आप क्या कहते हैं, दिमाग इस तरह भी काम करे कि भाई अगर पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ ट्रायल बैलेंस है, तो फिर मैंने पेपर के, देखिए मैंने प्रैक्टिकल एक अलग चीज है, पेपर सॉल्व करना एक अलग चीज है। प्रैक्टिकली तो हर चीज एक प्रोसीजर से चल रही है, लेकिन एग्जामिनर जो है ना वो आपको इस काबिल बनाना चाहता है कि आप किसी भी एंड रिजल्ट को डायरेक्ट प्रोड्यूस कर दो। हालांकि ये अकाउंटिंग में जर्नलाइजिंग हो रही है, फिर लेजर पोस्टिंग हो रही है, फिर ट्रायल बैलेंस बन रहा है। यकीन माने मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन परफॉर्म किया। वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम प्लस माइनस वाला काम कर रहे थे ना एक कॉलम के अंदर, वो कॉलम के बजाय मैंने वो काम ब्रैकेट में कर दिया और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के हेड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। बस आप गौर करें हमने क्या किया, तो ये डायरेक्ट अप्रोच समझ में आई आप लोगों को बेटा। तो ऐसे भी प्रैक्टिस करना है, तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने के डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बन जाए बड़े बड़े क्वेश्चन। ये इजी मैंने ना यूं लग रहा है ना कि ट्रांजेक्शन्स कम है, जब ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो जाएंगी तो फिर डिफिकल्टी बढ़ सकती। तो इस तरह ये आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया, ट्रायल बैलेंस एक नया अंदाज से बनाना भी सीख लिया हमने, ठीक है। और आपको एक चीज कन्वे हो गई कि भाई एग्जाम में जरूरत के तहत हम अपनी जरूरत के हिसाब से हम चीजों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करें ऐसे ही, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 करें ऐसे डायरेक्ट, चलें ये लिख लिया सब लोगों ने ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बंदे का नाम क्या है, मैस्टर्स आराम को बिजनेस का नाम,
ट्रायल बैलेंस, हाँ बख्तियार ऑनर का नाम है लेकिन क्या कहते हैं बिजनेस का नाम अलग से मेंशन है तो हम उसी नाम से उसको बनाने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस, एज ऑन, अब अगर डेट मालूम नहीं है तो आप डेट को यहां ब्लैंक करते हैं, छोड़ दें, ठीक है जी। अकाउंट टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। बताइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टर बख्तियार। अच्छा, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन तो याद है ना, लिखा हुआ यहाँ पे 25%, लेकिन हमने कितना लिया था इसको, 80%। बख्तियार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 350,000, ठीक है। बख्तियार ने बिजनेस शुरू किया, कितना कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश इंक्रीज हुआ 350 से। कैपिटल, कैपिटल की इस क्वेश्चन में कोई और ट्रांजैक्शन, कैपिटल की इस क्वेश्चन में कोई और ट्रांजैक्शन, चले तो कैपिटल को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 350, सही है। परचेस्ड मतलब कैश भी बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। परचेज फर्नीचर ऑन कैश रुपीज 35,000, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर में मेरे ख्याल से कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐसा ही है, फर्नीचर में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो फर्नीचर का जो भी बैलेंस है वो फाइनल बैलेंस है। फर्नीचर को आपने डायरेक्ट डेबिट कर दिया और कैश में खरीदा फर्नीचर 35,000 से, कैश बैलेंस क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही। उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अफजल एंड कंपनी ऑन कैश, तो इन्वेंट्री परचेज किया आपने। तो इन्वेंट्री इंक्रीज की, इन्वेंट्री डेबिट की, इन्वेंट्री डेबिट की 27,000 से, कैश क्रेडिट कर दिया 27,000 से। उसके बाद कैश सेल्स की 36,000 की, तो कैश सेल करने से कैश इंक्रीज हुआ 36,000 से। और सेल्स भी इंक्रीज हुई 36,000 से। इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट क्या थी, 36,000
डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, याद होगा आपको 20,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया 20 से, और इन्वेंट्री 20 से क्या कर दी, क्रेडिट कर दी, ऐसा ही है। उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम यूसुफ ब्रदर्स, यूसुफ ब्रदर्स से गुड्स परचेज की, कितने की, 43,000 की। तो इन्वेंट्री में बैलेंस 43,000 से प्लस हो गया, और यूसुफ ब्रदर्स के नाम से अकाउंट पेबल क्या हो गया, ओपन हो गया 43,000 से। ठीक है, जवाब दें। सही है, अच्छा जी। उसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज टू जहीर एंड कंपनी 34,000। तो जहीर एंड कंपनी को गुड्स बेची, और 34,000 से आपकी सेल्स वैल्यू में क्या हो गया, इजाफा हो गया। जहीर एंड कंपनी डेबिट 34,000 से, सेल्स क्रेडिट 34,000 से। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें इसकी, करेक्ट बात है। 18,889, सही है बिल्कुल। तो इन्वेंट्री क्या कर दिया आपने, कॉस्ट ऑफ सेल आपने डेबिट कर दी 18,889, और इन्वेंट्री अकाउंट क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया 18,889। अब ये राउंडिंग का प्रॉब्लम है, राउंडिंग नहीं करूंगा तो जैसे पता मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा। रुपीज इन थाउजेंड मैंने कॉमन लिया हुआ ना वर्क ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स में मैं 3 जीरो कम लगा रहा हूँ, ख्याल रखिएगा इस बात, ताकि मेरा वर्किंग टाइम भी क्या हो, कम से कम खर्च हो। और मैं चाहूँ तो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम को भी इस तरह लिख सकता हूँ, अगर मैं ऊपर लिख दूँ रुपीज इन थाउजेंड, समझे बेटा बात। तो क्या हुआ बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो गया 18,889 से, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो गया 18,889 से। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या कहता है, पेड कैश टू यूसुफ ब्रदर्स रुपीज 30,000। यूसुफ ब्रदर को कैश पे किया, यूसुफ ब्रदर को जब कैश पे किया तो यूसुफ ब्रदर की लायबिलिटी में क्या आ गई, कमी आ गई, 30,000 से लायबिलिटी डेबिट हो गई, और कैश क्या हो गया आपके पास से, क्रेडिट हो गया 30,000 से। उसके बाद मर्चेंडाइज रिटर्न टू यूसुफ ब्रदर्स 1,200, गुड्स वापस की, इन्वेंट्री कम हो गई 1.2 से, और लायबिलिटी भी कम हो गई कितने से, 1.2 से। एंट्री बनी यूसुफ ब्रदर्स डेबिट 1.2 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 1.2 से। तो क्योंकि लायबिलिटी भी कम हो रही है तो लायबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट नेगेटिव है, और इन्वेंट्री भी कम हो रही है तो इन्वेंट्री पे भी इफेक्ट नेगेटिव है। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम जहीर एंड कंपनी रुपीज 15,000। जहीर से कितना कैश मिला, 15,000। वो 15,000 कैश हमने क्या कर दिया, कैश में प्लस कर दिया, और जहीर का राइट टू रिसीव हमने 15,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद साथ साथ क्या बोलता है, एंड रिटर्न गुड्स, जहीर ने हमें गुड्स भी वापस किए, ओके जी कोई मसला नहीं। तो जब जहीर ने हमें गुड्स वापस किए हैं तो हम क्या करेंगे, अब 1.5 से जहीर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, किस नाम से, सेल्डन के नाम से, और सेल्डन को हम डेबिट करेंगे 1500 से। एंट्री बनी थी ना, सेल्डन डेबिट जहीर क्रेडिट, याद रखिएगा सेल्डन का अकाउंट अलग से खुलेगा, सेल्डन का अकाउंट ओपन कीजिएगा लाजमी। ठीक है जी,
सेल रिटर्न डेबिट हुआ 1500 से, सही रहा अकाउंट क्रेडिट हुआ, इन्वेंटरी वापस आ गई लौट कर, 1500 की कॉस्ट क्या है, 1500 की कॉस्ट क्या है, 1500 की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी बताइए भाई सब लोग, 1500 की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, खामोश हो गए सब, पंद्रह सौ की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, 833। अब रुपीज इन थाउजेंड में ये 833 क्या होगा, ये 0.833 के बराबर होगा, 0.833, 833 को डिवाइड बाय 1000 कर लें तो क्या बन जाएगा, 0.833। ये छोटी बातें का ख्याल रखिएगा, मतलब इन्वेंट्री आपके पास वापस आ गई 0.833 से, और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई 0.833 से। देखिए जैसे एंट्री बनाई थी ना वैसे ही कर रहे हैं आप, उसके अंदर अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करें प्लीज, एंट्री फॉलो करें। एंट्री सोचें क्या बनाई थी, एंट्री बनाई थी सेल रिटर्न डेबिट, तो सेल रिटर्न डेबिट उन्होंने सेल रिटर्न का अकाउंट खुला था, जहीर एंड कंपनी क्रेडिट तो जहीर एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, ये दो एंट्री, ये एंट्री बन गई, सेल रिटर्न डेबिट हुआ 1500 से, उसका इफेक्ट डेबिट साइड पे आ गया, जहीर एंड कंपनी क्रेडिट हुआ 1500 से, उसका इफेक्ट जहीर एंड कंपनी के अकाउंट पे चला गया, ये इफेक्ट हो गया। अब इन्वेंट्री का वापस आना रिकॉर्ड करें, इन्वेंट्री डेबिट हुई 833 से, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई 833 से। तो जो जिस तरह मैं एंट्री बना रहा हूं मैं वैसे ही परफॉर्म कर रहा हूं, आप देखें गौर से, तो डायरेक्ट इफेक्ट क्यों आएगा, अगर आप एंट्री सीख चुके हैं तो फिर आपको तमाम चीजें आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, कंफर्म बता दें पहले मुझे ताकि आपको बात समझ में आ गई कि नहीं। एंट्री बनाई थी हमने सेल रिटर्न की, इसकी जर्नलाइजिंग की भी हमने, ठीक है, तो जैसे जर्नलाइजिंग की थी वैसे ही यहां पे इफेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम बशीर एंड सन्स ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000। गुड्स परचेज किए बशीर से कितने की, 50,000 की। अब इन्वेंट्री वाला स्पेस हमारा थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, एंड हो गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं उसके लिए। टेक्नोलॉजी मेरे पास है, आपके पास तो नहीं है, बस अब इन्वेंट्री की रहेगी ट्रांजेक्शन, फिर तो गुजारा हो जाएगा, और अगर और कोई ट्रांजेक्शन निकल आई तो फिर मसला हो जाएगा। फिफ्टी से इफेक्ट क्या हो गया, प्लस हो गया, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ 50 से, ठीक है, और बशीर जो कि अकाउंट पेबल है, अब दो अकाउंट पेबल आ गए हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, अकाउंट पेबल को इकट्ठा लिखते हैं एक ही नाम से, अकाउंट पेबल के नाम से, लेकिन फिलहाल कोई इशू नहीं है। बशीर के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया कितने से, 50,000 से, इन्वेंट्री डेबिट बशीर क्रेडिट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जहीर एंड कंपनी रुपीज 10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू चेक, इस तरह बैंक अकाउंट खुल गया आपका। बैंक में 10,000 डेबिट हुआ, कहां से आया भाई, जहीर से मिल गया 10,000, जहीर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। उसके बाद पेड कैश टू बशीर एंड सन्स रुपीज 23,000, बशीर एंड सन्स को आपने 23,000 पे किए कैश में, तो कैश का बैलेंस 23,000 से कम हो गया,
और बशीर एंड सन्स का बैलेंस भी 23,000 से कम हो गया, लायबिलिटी सेटल हो गई। उसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, ओके जी, बैंक बैलेंस 10 से बढ़ गया और कैश का बैलेंस 10 से कम हो गया, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला तो अब कैश का बैलेंस 2 से बढ़ गया, बैंक का बैलेंस 2 से कम हो गया। उसके बाद प्रोप्राइटर विड्रू कैश ₹10,000 एंड ₹6,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज, ओके जी, कोई मसला नहीं। कैश से उसने कितना ड्रॉ किया, 10,000 उसने निकाले कैश में से, 10,000 निकाले उसने, सॉरी 6,000 निकाले उसमें से बैंक में से, तो उसने ड्रॉइंग परफॉर्म की तो एंट्री बनी ड्रॉइंग डेबिट 10+6, यानी कि कितने से, 16 से, ड्रॉइंग डेबिट 16 से, कैश क्रेडिट 10 से, माइनस इफेक्ट बैंक क्रेडिट 6 से। उसके बाद पेड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 23,000, ऑफिस स्टाफ को क्या किया, सैलरी पे की 23,000, पेट्रोल बिल पे किया 2,150, तो सैलरीज पे की, तो यहां पर सैलरीज का हेड ओपन कर लिया, सैलरीज 23,000 से पे कर दी, 23,000 से सैलरी डेबिट कर दी और 23,000 से क्या कर दिया आपने, कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल पे तो कोई और इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कैपिटल लिखवा दिया। बहरहाल उसके बाद पेट्रोल बिल पे किया, फ्यूल एक्सपेंस डेबिट, कितने से, 2,150 से, अच्छा वो टैप प्राइवेट चेक, तो 2.15 से क्या हो जाएगा बेटा, 2.15 से आपका कैश कम हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। नहीं बेटा ये रेंट रेवेन्यू लिखा हुआ है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, ये रेंट रेवेन्यू है, ये रेंट रेवेन्यू है। अगर लिखा होता किसी पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट है तो क्या करता मैं, इसको एडिशनल कैपिटल आप बोल सकते हो, मेंशन नहीं यहाँ पर, लेकिन रेंट रेवेन्यू लिखा हुआ है तो मैं इसको रेंट इनकम ट्रीट कर रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी का रेंट है। इससे इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसमें लिखा हुआ था कि आपने पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव किया बिजनेस में, यहां कहीं मेंशन नहीं है कि आपने पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव किया, तो मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तो कैपिटल में तो इफेक्ट जो है वो कोई नहीं है, 3,50,000 से। आप अगर इसकी एंट्री फॉलो करते तो हमारे कैश के बैलेंस में कमी आती है 2.15 से फ्यूल एक्सपेंस के लिए, और इजाफा होता है 2 से, तो 2 से कैश डेबिट और 2 से मैं नाम दूंगा इसको रेंट इनकम का, रेंट इनकम क्रेडिट 2,000 से। अगर ये लिखा होता पर्सनल चेक है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो क्या करता मैं, कैपिटल बढ़ाता बेटा लाजमी। जवाब दें बेटा सब लोग, अब टोटल करवा दें सब लोग, जरा सब प्लीज टोटल करवा देंगे। कैश 350 है, 35 से कम हो रहा है, 27 से कम हो रहा है, 36 से बढ़ रहा है, 30 से कम हो रहा है, 15 से बढ़ रहा है, 23 से कम हो रहा है, 10 से कम हो रहा है, 2 से बढ़ रहा है, फिर 10 से कम हो रहा है, फिर 23 से कम हो रहा है, फिर 2.15 से कम हो रहा है, और फिर
टू से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बताएगा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। वॉट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश? ड्रॉइंग्स कैपिटल में क्यों ऐड होंगी बेटा? ड्रॉइंग्स को जब हमने एंट्री बनाते हैं अलग अकाउंट, देखो जो अकाउंट जिस नाम से खुल गया वो ट्रायल बैलेंस में उसी नाम से आएगा। आप बताओ आपने ड्रॉइंग की एंट्री बनाते हुए ड्रॉइंग डेबिट करना सीखा है या कैपिटल डेबिट करना सीखा? ड्रॉइंग का इफेक्ट कैपिटल तक पहुंचेगा आगे चल के, लेकिन आप ये बताओ कि आपने ड्रॉइंग डेबिट करना सीखा है, तो फिर ड्रॉइंग के नाम से अकाउंट खोलो, ठीक है ना। अच्छा जी, 244,850। गुड। अच्छा जी, फिर कैपिटल क्रेडिट हो गया, फर्नीचर भी डेबिट हुआ हुआ है, इन्वेंट्री, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री? 27 रेंट इनकम, इनकम जितनी भी होगी, रेवेन्यू जितने भी होंगे वो इंक्रीज होंगे तो कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड पर। सेल्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई बिजनेस के अंदर 2,000 रुपए का कैश जनरेट हुआ तो वो कैसे जनरेट हुआ? बिजनेस ने कमा के दिया तो इनकम है, घर से लाए तो कैपिटल है, उधार लिया तो लायबिलिटी। ये तीन ही बातें ना बिजनेस के रिसोर्सेज में, तीन ही बातें होंगी। तो अगर ये बिजनेस ने कमा के दिया तो हमारी इनकम है, और अगर ये प्राइवेट रिसोर्स से आया तो ये कैपिटल है, और अगर ये किसी ने उधार से उधार में लिया है तो क्या है? लायबिलिटी। ये तीन ही बातें अगर आप गौर करें इन बातों। हाँ जी, इन्वेंट्री का बैलेंस, इन्वेंट्री का बैलेंस, वॉट इज द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री? गलत बता रहे हैं आप लोग मेरे ख्याल से, इन्वेंट्री गलत बता रहे हैं। कैसे? 0.833 लिखा है मैंने, 0.833, पता नहीं आप लोग क्या लिख रहे हैं उसको। इन्वेंट्री का बैलेंस बताइएगा, 27,807,000 या 80,744, 27 - 20 + 43 - 18.889 - 1.2 + 0.833 + 50, 8 लाख कैसे आएगा? 8 लाख नहीं आ सकता ना। आप देखें ना, 27,000, 50,000, 43,000 की इन्वेंट्री तो है हमारे पास, और उसके बाद इन्वेंट्री कम भी हो रही है, 20 से भी कम हो रही है। हाँ जी, 80,744, ठीक है। अगर समझ ना आ रहा हो तो एक तो आप अपना टी अकाउंट देखिए इन्वेंट्री का, और वो भी ना दिख रहा हो तो फिर इसी क्वेश्चन का आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इन्वेंट्री का कॉलम चेक करें, जो इन्वेंट्री कॉलम में प्लस या माइनस हो रहा होगा वही इधर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होगा। अच्छा जी, सेल्स कितनी हुई? 36 + 34, बताइए, 70। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हुई बेटा? 20 + 18.889 - 0.833, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 38,056। यूसुफ ब्रदर्स लायबिलिटी 43 - 30 - 1.2, ओके जी। जहीर एंड कंपनी बतौर अकाउंट रिसीवेबल 34 - 15 - 10 - 1.5, 7,500, ओके जी। बशीर एंड कंपनी 50 - 23, बशीर एंड कंपनी लायबिलिटी है ना,
27,000. Bank balance 10 plus 10, 20, 20 minus 2 minus 6. ठीक है जी, 12,000. अच्छा जी, उसके बाद ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स कितनी? 16,000. ठीक है जी, टोटल कर लें आप जरा इसका, बताइए. हाँ जी, टोटल लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड, डेबिट्स और क्रेडिट्स क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए. सही जी, 460,800 दोनों तरफ. चलें, अब ये हमने डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना दिया, हमें ऐसा करना भी आना चाहिए, लेकिन हमें टी अकाउंट से भी ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए. तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन का अगर टी अकाउंट नहीं बनाया तो आप ये कॉपी कर लें और रुक जाएं बस. नो, जिन लोगों ने अब तक ये काम नहीं किया प्लीज, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैश, कैपिटल, फर्नीचर, जनरल लेजर में अकाउंट्स खोलें, उनके बैलेंस सीडीज वर्कआउट करें, उन बैलेंस सीडीज को यहाँ लाएं. कहाँ लाएं? ट्रायल बैलेंस में. तो बराए मेहरबानी अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आगे का काम आसान हो जाएगा बेटा, और अगर अभी कोताही करोगे तो आगे मुश्किल बढ़ जाएंगी, पहले बता दो. तो ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास इस चीज के लिए. कल हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको उसी प्रोसीजर से सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का अगर आपने अब तक टी अकाउंट्स नहीं बनाए तो प्लीज टी अकाउंट्स बना लें, और टी अकाउंट्स के बैलेंसेस को क्लोज करें, और क्लोजिंग बैलेंस को लाएं कहां पर? ट्रायल बैलेंस में. ये डायरेक्ट आपको सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस प्रोड्यूस करने का, तो आपको ये भी करना आ जाए अपने टाइम को जाया किए बगैर. एग्जाम में सबसे कीमती चीज है वक्त. बहुत सारी चीजें अगर आपको आती हो लेकिन वक्त ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है जी, क्रिकेट में आखिरी बॉल बची है, 8 रन रिक्वायर्ड है, क्या करोगे? छक्का भी मार लो तो कुछ नहीं होने वाला बेटा. टी अकाउंट में ट्रांजेक्शन कभी कंपाउंड नहीं हो सकते. टी अकाउंट में ट्रांजेक्शन कभी कंपाउंड, एक एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग इफेक्ट आएगा. टी अकाउंट के लिए ट्रांजेक्शन को सिंपल करके लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे ड्रॉइंग की एंट्री 2 बार बनानी पड़ेगी. एक बार ड्रॉइंग डेबिट 10,000 से, कैश क्रेडिट 10,000 से, फिर ड्रॉइंग दोबारा डेबिट 6,000 से और बैंक क्रेडिट 6,000 से. तो हरगिज बेटा टी अकाउंट्स के अंदर कभी भी एंट्री कंपाउंड नहीं जाती, टी अकाउंट्स के अंदर एंट्री सिंपल वे में जाती. बताइए, आज हुनैन नहीं दिख रहा बड़े यहां पर, हुनैन का जवाब नहीं आ रहा कोई.
ठीक है, एंड करें इसको। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अच्छा आज खामोशी सुन रहा हूं, तो कोई टेंशन तो नहीं है ना बेटा? उदास उदास हो आज फिर? तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि किस बात की टेंशन है बेटा? अकाउंटिंग की टेंशन? डर गया अकाउंटिंग से? डरा दिया तुम्हें अकाउंट? ओके अच्छा, एग्जाम में बेटा तीन मेथड नहीं है, ये प्रोसीजर्स हैं। अकाउंटिंग में पहले जनरलाइजिंग होगी, फिर डेजर पोस्टिंग होगी, और फिर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस होगा। एग्जाम में वो करना हो तो जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। अगर एग्जामिनर ट्रांजैक्शंस देकर रिक्वायरमेंट में क्या मांगता है बेटा, ट्रायल। अगर एग्जामिनर ट्रांजैक्शन देकर रिक्वायरमेंट में क्या मांगता है, ट्रायल बैलेंस, तो फिर क्या करोगे? फिर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, इस तरह जिस तरह हम बना रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट ट्रायल बैलेंस है और आप उसमें टी अकाउंट्स भी बना रहे हो, तो टी अकाउंट्स बना बना कर क्या हो जाएगा, आपका अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन हुआ खुदा ना खासा, तो फिर क्या हुआ, फिर पता लगा टी अकाउंट बनने में टाइम निकल गया, एग्जाम का टाइम ओवर हो गया, ट्रायल बैलेंस तो बनने से रह गया, और जो असल रिक्वायरमेंट थी वो तो सॉल्व नहीं हो पाई। तो एग्जाम में हमारा फोकस किस पे होता है बेटा? रिक्वायरमेंट पर होता है। एग्जाम में हमारा फोकस किस पे होता है? रिक्वायरमेंट पे होता है, ठीक है? तो एग्जाम में हम क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं। ओके ठीक है बेटा, इसको यहां तक एंड करेंगे। अपनी जिम्मेदारी से अब क्या करो, इनके टी अकाउंट्स बनाओ इन दोनों क्वेश्चंस के, फिर इनकी दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाओ। और क्वेश्चन नंबर 3 और 6 तो सॉल्व करना ही करना है, वो तवील क्वेश्चन है, उसमें वैरायटी है, आपके कॉन्सेप्ट जब भी बिल्डअप हो। ठीक है बेटा, ओके, आज तक इतना ही, बाकी इस पर डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह।